आगे क्या तुम सब लाइव आ जाओ, अब बस इंतजार मुझे तुम सबका ही है। सुपर संडे विद एमजी आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। यो 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 मंडे को सुपर संडे विद एमजी सेलिब्रेट किया जा रहा है मंडे को। तुम सब कहाँ हो, आ जाओ। अरे देखो मैं ना तुम सबको कुछ बताना है और दिखाना है। दिखाना तो क्या है, अब दिखाई देता हूँ। देखो थोड़ी सी शर्म वरम तो आ रही है, लेकिन क्या करूँ यार, मतलब शर्म की बात नहीं यार, मुझे अजीब लग रहा है देखने में, क्योंकि कभी मतलब ऐसे लाइव वीडियो में मेरा चेहरा कभी मेरे को ऐसा दिखा नहीं ना। और ये अभी का चेहरा नहीं है, ये 8 साल पुराना चेहरा, जो 8 साल पहले मैंने सबसे फर्स्ट टाइम कभी शेव की थी ना, क्लीन शेव की थी, तब मेरा चेहरा कभी मुझे ऐसा दिखता था। अभी 8 साल बाद मुझे ऐसा दिख रहा है। क्या तुम मुझे देखने के लिए रेडी हो? पर्दा है, पर्दा है, धन टन टन। मैं मोहित हूं पर मोहित नहीं हूं मैं। हाय मेरा ना अरे यार मतलब क्रेजी सा हो गया, बताओ मतलब पहचान मैं खुद को देख नहीं पा रहा हूं, मतलब देखने बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं हूं क्या, मतलब हाँ ये बिलीव कर लो मैं मोहित हूँ। हाय मेरा नाम मोहित है। अरे यार ये तो मतलब बहुत ही जमाना हो गया, 8 साल पहले की बात है। 8 साल पहले मैंने लाइफ में क्लीन शेव किया था, उसके बाद से हमेशा मैंने मुस्टैच और दाढ़ी तो रखी। सब हंसने वाला स्माइली भेज रहे हैं, बताओ जरा। आ जाओ फिर बताऊंगा ऐसा क्यों, बताओ। इस चक्कर में आज का पहला हाई भी नहीं बता पाया मैं किसका था, लेकिन प्रशस्ति पाठक एंड टू अदर्स जस्ट शेयर योर वीडियो, थैंक यू प्रशस्ति। और अरे यार हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हंस लो, हाँ ठीक है मजाक उड़ा लो, ठीक है कोई बात नहीं। अरे यार होता है यार, अब मार की जानी पूछ रहे ऐसा क्यों। तानिया गिर कह रही है मुस्टैच वाले मोहित को वापस लाओ। सब हंसने वाले वो इमोटाइकन भेज रहे हैं हंसने वाले। हाँ 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 ठीक है मजाक उड़ा लो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं ही हूं। तो अरे यार मुझे खुद को बड़ी हंसी आ रही है, मैंने कभी मतलब सेल्फी वीडियो में इतना ये वाला चेहरा कभी देखा ही ना बिना दाढ़ी मूंछों के। इसी तरह उठा कह रहे लगा नहीं था आप ऐसा करोगे, आपकी मूंछें बहुत पसंद थी। अरे यार मुझे भी पसंद थी, लेकिन समझो यार मतलब मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ तुमको। मुझे ना 8 साल से मैंने कभी मेरा ये वाला चेहरा नहीं देखा था, मतलब बिना दाढ़ी मूंछों के। और एक दो साल से तो मैं मतलब बियर्ड रख ही रहा हूँ। तो है ना मेरे को ऐसे कि कल बहुत ज्यादा इच्छा हुई, मतलब बहुत ज्यादा फील आ गई कि यार मोहित बहुत दिन हो गए यार, तूने अपनी ना बियर्ड वियर्ड काटी नहीं है, हटाई नहीं है, मुस्टैच भी रख रखी है। खैर मेरा मुस्टैच हटाने का प्लान नहीं था, मूछे हटाने का प्लान नहीं था, मेरा सिर्फ बियर्ड हटाने का प्लान था। तो मैंने बियर्ड हटाई, फिर एक दोस्त ने मुझे कहा कि तू पूरी हटा दे भाई, अब तूने ये बियर्ड हटा लिया था। तो मैंने कहा ठीक है तो कुछ कर ही लेते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। और बहुत ज्यादा तूफानी हो गया और अपन क्लीन शेव हो गए, और मैं तो खुद को ही नहीं पहचान पा रहा हूँ, तुम तो पता नहीं कैसे पहचान रहे होगे। तो ऐसा था यार। अरे बंशिया कह रही है बकवास लुक किसने सजेस्ट किया, बकवास वकवास नहीं यार, लुक तो लुक होता है, मैं कोई बदला थोड़ी ना हो यार। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो बंशिया, अपन वही सेम मोहित है, गाकर गाना गाकर सुनाऊं हैं बस। वो क्या दाढ़ी मूछे हट गई, वो तो क्या अपनी घर की खेती आ जाती है, तुमने बाल कटवा ले तो वापस उग जाते हैं ना, ऐसे अपने दाढ़ी मूछ होती है यार कभी आ जाएंगे वापस से, क्या दिक्कत है भाई बताओ, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। पर हाँ मतलब देखो बड़ा जिगरा चाहिए करने के लिए, बड़ी डेयरिंग चाहिए करने के लिए, कि इतने सालों से जिस चीज को मैंने सहेज कर रखा भाई, बियर्ड भाई मुस्टैच काटे तो मेरे को 8 साल हो गए, 7-8 साल पहले मैंने मुस्टैच काटी थी कभी, मतलब मूछे हटाई थी मेरी। और अभी कल की बात है कि मैंने इतनी हिम्मत करी कि भाई साहब रिजल्ट लिया जग 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 8, कोई बात नहीं भाई, ये भी ट्राई करना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी ना। पर मुझे तो बड़ा अलग सा लग रहा है, मतलब मैंने ये वाली शक्ल मेरी कभी देखी नहीं, अभी तो मैं खुद भी लाइव चैट करते टाइम वो दिखता है ना आपका फेस, तो वो देख रहा हूँ तो मेरे को अजीब लग रहा है कौन आदमी आ गया यार, लेकिन हाँ कोई ना ये मैं ही हूँ। और सच बताओ तो कल मैं लाइव चैट इसलिए करने से थोड़ा सा डर रहा था मतलब अरे यार दो चीजें थी, एक तो देखो एक मेरे को फ्रेंड को मिलने जाना था, एक तो
तो है ना, और फ्रेंड से मिलने जाना था, और ये मतलब मुंह, ये वाला मुंह दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा डर रहा था कि यार कैसे, मतलब दाढ़ी मूछ वाला मैं खुद ही को नहीं पहचान पा रहा हूँ, तो मैं पता नहीं कैसे पहचानूंगा। पर फिर आज मैंने हिम्मत करी कि नहीं यार, अब बताना तो पड़ेगा, अब हो गया तो हो गया यार, अब कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाएंगी। पर मुझे तो मजा आया यार, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, मैं तो अभी भी वैसा कहीं हूँ, मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगा, बस अब थोड़ा छोटा सा लग रहा है और क्लीन शेव लग रहा है, अलग सा समझ भी नहीं आ रहा है कौन है लड़का। तो अच्छा, अब ये तो रही मेरी बात, अब तुम सब बताओ तुम कैसे हो। जब तो तुम्हारे कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ क्या क्या आए हैं। हर्षित साठी कह रहे हैं, भाई सबकी सुनो अपनी करो, लुक सो ब्यूटीफुल, आजकल सब बियर्ड रख रहे हैं, आपने कुछ अलग किया, हैट्स ऑफ। हाँ मतलब ऐसा भी है, देखो बियर्ड तो अपन ने भी रखी थी, बस मेरी इच्छा हो गई यार कि बहुत साल हो गए यार दाढ़ी मूछे ही देखकर चेहरे पर, बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, मतलब हटाई नहीं मैंने कभी, और मुस्टैच हटाए हुए तो 8 साल हो गए, बियर्ड हटाए हुए 1 या 2 साल हो गए, तो मैंने कहा कि यार चलो बहुत बहुत हो गया भाई, सेम सेम लोग आज कुछ नया करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं एकदम अलग सा, तो चिक 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 हो गया। शीला शर्मा कह रही है आई लव यू। ज्योति कह रही है, ज्योति यादव मेरी जूनियर है कॉलेज की और मेरी बहन है, एकदम मस्त बहुत प्यारी लड़की है। और ज्योति कह रही है, बड़े कॉलेज वाले लग रहे हो जब हमारे इंट्रो लेने आए थे, याद है बार बार को आपने एक बार बाल दान में दे दिए थे, ठीक ऐसे ही। अरे बाप रे, वो कह रही कॉलेज में मेरा क्या ऐसा ही लुक था, लेकिन कॉलेज में मूछे हमेशा रखता था, बस थोड़ी हल्की, अभी तो मूछे भी हटाई दी मैंने, मतलब क्लीन शेव तो मैंने भाई 8 साल बाद किया, और मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार, कुछ नया नया ट्राई करने के लिए हिम्मत चाहिए, ऐसे थोड़ी ना क्लीन शेव करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है जब आपकी बियर्ड इतने प्यार से आपने रखी हो, कोई ना होता है। किसी ने तान्या गिरी गिरी, एग्जाम था 20th को, अच्छा था, 29 से थ्योरी एग्जाम है, अच्छा ऐसा है क्या। मानसी पांडे कह रहे हैं, अच्छे दिख रहे हो, क्यूट्स एवर, थैंक यू यार। अरे और तानिया तेरे को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए यार, पता नहीं कितने एग्जाम देते हो यार तुम सब, भाई एग्जाम ही देते रहते हो। अमन पारिक कह रहे हैं, बाबा कतल लग रहे हो। अरे यार पता नहीं यार, मेरे को तो बड़ा अलग सा लग रहा है, ये चेहरा कभी देखा ही नहीं मैंने खुद का, मतलब बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ, यकीन ही नहीं रहा मैं, कांच के सामने जाता हूँ तो देखता हूँ अरे कौन है आदमी, घर वाले पहचान नहीं पा रहे। सही अंतनी रॉय कह रहे हैं, द होल डे आई वॉज वेटिंग फॉर यू, कल मेरा एग्जाम है फिर भी आई एम जस्ट अमेज्ड टू सी द क्यूट लुक। अरे यार थैंक यू यार, क्यूट व्यूट देखो, मतलब अपन तो ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही है यार, दाढ़ी रख लेंगे, दाढ़ी वाले भी हो जाएंगे, लेकिन होंगे तो वही ना रहेगा, तो तुम्हारा मोहित मोहित ही हमेशा, कुछ भी हो जाए। तो बीजल पटेल कह रहे हैं, कुछ नहीं, मेरे कल मेरे कॉलेज का लास्ट प्रोजेक्ट का वाइवा, मुझे गुड लक बोलो, मेरी कॉलेज लाइफ खत्म होने वाली है। अरे ऑल द बेस्ट यार बीजल, कॉलेज लाइफ तो यार चल कोई ना, एक नई लाइफ शुरू हो जाएगी तेरी, मस्त बढ़िया से दियो वाइवा और एंजॉय करना। आकांक्षा सिंह कह रही है, हाँ हमारे भी रिजल्ट आने वाला है, बताना मेरे को रिजल्ट कैसा रहा आकांक्षा। रामदाना भगत कह रही है, प्लीज रिप्लाई कर दो, दिस इज माय फर्स्ट लाइव चैट टू सी यू, आई एम सो ग्लैड टुडे, प्लीज रिप्लाई फ्रॉम वैष्णवी। हाय वैष्णवी, और पहली लाइव चैट है तुम्हारी, तो प्लीज कंटिन्यू रखना, अपन हर संडे को, और संडे नहीं तो किसी और दिन जरूर लाइव चैट करते हैं, हर वीकली लाइव चैट अपने ही होती है। तो हर्षित सिटी कह रहे हैं, भाई एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार कैप रिमूव करना, और ज्यादा क्यूट लगोगे। अरे यार कैप रिमूव ना यार, देखो अभी बाल ना मेरे चिपके हुए से हो रखे हैं, तो मैं चाहता नहीं हूँ कैप रिमूव करूँ, तो इसलिए मैं कैप लगा लेता हूँ ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अच्छी लगती है मुझे तो। अभी पलक वैष्णव कह रहे हैं, यार आपकी मूछें बहुत प्यारी लगती थी, क्यों काट ली यार। यार अपनी है यार, चेंज होना चाहिए यार, मैं बोर हो गया था सच बताऊँ तो यार, इतने टाइम से एक ही जैसा लुक था ना, वही दाढ़ी वाला, तो मैंने सोचा कुछ नया करते हैं, आ ही जाएंगे ऐसे भी, कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात थोड़ा ना, ऐसे चेंज होना चाहिए बस यार कुछ, अगर इच्छा करे तो, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दीपक सिंह कह रहे हैं, वेलकम टू 99th चैट, और मस्त न्यू लुक है ब्रो, गर्लफ्रेंड तो पट ही जाएगी आपकी अब। हाँ मतलब अच्छा ऐसा है क्या, कोई बात नहीं भाई, वो भी हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। गौतम गरवा कह रहे हैं, यू ऑलवेज लुकिंग फैबुलस भाई, हैट्स ऑफ यार, अच्छा थैंक यू यार। अंशिका अंकिशा गुप्ता कह रहे हैं, वेयर इज योर मुस्टैच गॉन, पता नहीं यार चलेगी, कोई ले गया मेरी उठा के मुस्टैच। अरे नहीं यार मैंने काट ली बस, ऐसे ही बताया था मैंने शुरुआत में ही, तुम शायद अभी ज्वाइन करी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मतलब कट कर लियो अपन ने।
मलिया खान कह रहे हाय मोहित हाउ आर यू, यू हैव पुट ऑन वेट। हाँ यार अब खाते पीते रहते हैं हम तो मोटे वोटे हो गए हैं, और तो क्या कहूँ मतलब। हाँ यार इश्मित सिंगर कह रहे हैं ब्रो सत श्रीकाल, आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स कि मैं मिल सकूं बट ऑलवेज आपके पास तक आकर नहीं मिल पाता, माय बैड लक, कब गुड लक आएगा। बिल्कुल इश्मित ब्रो जरूर मिलेंगे यार, अच्छा होएगा यार, मतलब मिलने कोई बड़ी बात थोड़ी ना, मिल जाएंगे आप अपन, आपका कोई शो होगा मेरा कोई शो होगा तो अपन मिलते रहेंगे मस्त। यो परोमिता कोटा कटारी एंड 11 अदर्स जस्ट शेयर योर वीडियो, तो परोमिता और जितने भी लोगों ने वीडियो शेयर किया उन सबको पहले तो बहुत बहुत थैंक यू यार, और जितने भी लोग लाइव चैट पर हैं उनको भी थैंक यू, वेलकम है, और कमेंट करने वालों को भी बहुत बहुत थैंक यू है जी। आदित्य कह रहे हैं मेरे को भी सिंगर बनना है, अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, बड़ा बात का प्लान सिंगिंग ही है। बड़ी आदित्य ब्रो मस्त यार, करना जरूर इच्छा है तो बिल्कुल मस्त। और चित्रांजन कह रहे हैं ये क्या हो गया भाई, हो गया देख ले ऐसे ही हो गया, कोई ना यार होता रहता है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। करण राणा कल मेरा 12th का रिजल्ट है और मैं सीए लाइफ में एंटर करने जा रहा हूँ, एंड आई एम इन लव ऑफ योर वॉइस। अरे क्या बात है, थैंक यू करण भाई, और तेरे को यार ऑल द बेस्ट भाई, मस्त तेरा ड्रीम बढ़िया से पूरा कर, यही मेरी इच्छा यार। केतन अग्रवाल अमेज टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, प्लीज टेल समथिंग अबाउट योर फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग केतन मेरा फेवरेट सॉन्ग अभी अभी मेरा पता है इस बार अभी इन दिनों कौन सा फेवरेट चल रहा है मेरे को, वो गाना बहुत पसंद है। कौन सा? अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं अभी, ऐसा मेरे को वो एहसान तेरा होगा, मुझे बहुत पसंद है सॉन्ग, पुराना सॉन्ग है ना, एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है जो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो। अभी मतलब गा नहीं पा रहा हूँ, देखो आज थोड़ा सा गला ऐसा सा सा है। और अंकिता भगत कह रहे हैं विदाउट शेव ज्यादा प्यारे लगते हो बट ये वाला लुक भी अच्छा है, ऐसा है क्या? थैंक यू यार अंकिता। राइजा राइजी कह रहे हैं वे ऑफ टॉकिंग और फिर दिल का साइन बनाया है, अरे थैंक यू यार, मतलब पसंद आया आपको जैसे बात करते हैं ऐसी बात करते हैं, मतलब अपन तो देखो सबका अपना अपना वे ऑफ टॉकिंग होता है मस्त। ऋतुजा भाई कर कह रही है हे कैन यू प्लीज सिंग, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, प्लीज एक लाइन गा दो। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इतना ही आता है यार। और मैं अभी आज गाने का थोड़ा सा मतलब वो है, गला भी अजीब हो रहा है, मैंने ना अच्छे से रियाज भी नहीं कर पाया आज, तो मैं गाने का थोड़ा सा आज कमी है, लेकिन गा दूंगा फिर भी तुम कहोगे तो। पायल हालदेर कह रही है हेलो मोहित गॉड यू लुक क्यूट, थैंक यू यार पायल। पल्लवी चौहान एक बात तो बताओ मिस्टर क्यूटी पाए, गाना तू गाले कब आएगा? जी आएगा आएगा, पहले ये तो बताओ मामा माई बेबी कैसे आया भाई, मामा माई बेबी कैसा लगा ये तो बताओ। सागर रॉय कह रहे हैं इज इट ट्रू दैट यू आर कमिंग टू कटिहार, बिल्कुल सागर रॉय, अरे हाँ तुम सबको ही बताना यार अपना ना 12th of June को कटिहार बिहार में शो है, यूथ फेस्टिवल है, यूथ थ्रिल्स करके उस इवेंट का नाम है, तो वहां पर अपना शो रहेगा, और अगर आप उस कटिहार सिटी से बिलोंग करते हो या उसके आसपास कहीं से बिलोंग करते हो या आप वहां पर आ सकते हो तो प्लीज आना, जरूर आना प्लीज, और मस्त गाने वाने गाएंगे, उन बहुत सारे स्टोरी सॉन्ग्स भी सुनाऊंगा, सब पर सॉन्ग्स तो सुनाऊंगा ही। तो नील पटेल कह रहे हैं हेलो ब्रदर, हेलो नील भाई। अनामिका राहुल अमेजिंग वॉइस, थैंक यू, एटलीस्ट किसी और के कहने पर आपने सॉन्ग तो सुनाया। अरे यार ऐसा नहीं, अनामिका राहुल कुटरो मैं सुनाता हूँ रहता हूँ यार, गाना अपना तो गाने गाने का ही काम है मतलब। और तानिया गिरी कह रही है कॉलेज में टेस्ट हुआ, फाइनल्स हैं, ये भी ये बीएड वाले पागल कर देंगे, अरे होता रहता है यार ये तो, कोई दिक्कत नहीं तानिया, मस्त पढ़ाई है यार, मजा आएगा, मैं तो बहुत मिस करता हूँ पढ़ाई चढ़ाई, थोड़ी सी मिस करता हूँ मेरी अभी भी इन दिनों पता है बहुत इच्छा करती, मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद था और
फिजिक्स बायोलॉजी और मैथ्स बहुत पसंद है, तो मेरी अभी भी इन दिनों कभी कभी इच्छा होती है यार कि मैथ्स और फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स लेके उनको सॉल्व करने लग जाऊं। मुझे बहुत बहुत पसंद, बहुत पसंद था फिजिक्स और मैथमेटिक्स और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये बहुत अच्छी लगती थी। क्या यही था ना? हाँ यार, डिफरेंशिएशन तो था टॉपिक, इंटीग्रेशन याद नहीं, यही था यार, और ये भूल गया यार मैं। लेकिन हाँ, मतलब मेरे को बड़ा मजा आता था मैथ्स और फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक थे। और स्पेस साइंस मुझे बहुत पसंद है, उसको अब एस्ट्रोनॉट बनने की मेरी कभी इच्छा थी बचपन में, तो इसलिए ऐसा कुछ था। तो हर्षुल माथुर कह रहे, हेलो भैया, आई एम फ्रॉम जयपुर, आई वांट टू मीट यू इन जयपुर। बिल्कुल हर्षुल भाई, मैं जब भी जयपुर आऊंगा आप जरूर आना, अपन मिलेंगे। उन्नति सबसे कहना, यूपी में रामपुर कब आओगे, एक बार कमेंट देख लो। शिकायत है यार रामपुर, पता नहीं यार, अभी तो मैं कटिहार जा रहा हूँ, कटिहार बिहार में, एंड 12th of June को शो है यूथ थ्रिल्स, तो आप प्लीज वहां पर आइएगा अगर हो सके तो। अक्षर इकबाल कह रहे हैं, सर आई एम ह्यूज फैन ऑफ यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, एंड सर प्लीज सिंग वन लाइन ऑफ कपकेक। ऐसे क्या, रुको, कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूं, मखमली सी रेशमी से आवाज दूं, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे महक तेरे पास में गुलाब हो, कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तो मेरा कपकेक है, कपकेक है, कपकेक है, ऐसा सा। हिमांशी तो नहीं कह रहे, कभी आगरा आओ ना मोहित। हिमांशी में बिल्कुल यार, आगरा आया भी था एक बार तो, और मैं ताजमहल भी देखा था मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में। और आगरा मैं इसलिए आया था कि मेरा उसके पास में एक जगह पर शो था, आगरा के पास में, मैं भूल गया कहाँ पर था, पर वहाँ पर मतलब था, मैं एक दो साल हो गए उस बात को, ताजमहल के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी मैंने, बताओ बड़ा प्यारा लगता है यार ताजमहल तो। और शैली कौर कह रही, वेयर इज योर मुस्टैच, गायब हो गई, काट ली मैंने यार शैली, अपनी घर की कहती यार आती रहती है तो जब जो इच्छा जाए, तो बोर हो गया था बताऊँ दाढ़ी मूछ वाले लुक से, और इसलिए मैंने सोचा कुछ नया करते हैं, तो ये नया कर दिया उस लाइफ में। अच्छा अब ना, जानवी यादव, लवली, दिस माय फेवरेट सॉन्ग, लवली वॉइस मोहित, थैंक यू यार। अमलान दास, सर प्लीज वन लाइन फ्रॉम बारिश, बारिश बारिश ये मुझे नहीं आता। वृंदा दबे, ये वाला लुक पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है मुझे, अरे थैंक यू यार। सलोनी सिंगल, योर कपकेक सॉन्ग इज द बेस्टेस्ट सॉन्ग, माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग इज कपकेक, आई लव इट, थैंक यू सलोनी। प्रीतम जैन कह रहे हैं, भाई आसाम आओ यार, वन मीट यू, बिल्कुल भाई आसाम आएंगे तो जरूर आप मिलने आना, प्लीज अपना इवेंट होगा आप जरूर आइएगा कभी आसाम में, हुआ तो मस्त मजा आएगा जब भी आएगा तो। दीपक जांगेड़, अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, कभी मेरा नाम भी नहीं लिया, अरे देखो दीपक भाई ले लिया, जैसे आपका कमेंट दिखेगा जरूर मैं नाम लूंगा। यो अंकिता, यू लुक सो क्यूट, ओ योर सॉन्ग, आपसे भी क्यूट, यू रिमेम्बर एंड रिमेम्बर मी, हाय, और मेरे लिए कुछ बोल दो प्लीज। हाय अंकिता, लॉट्स ऑफ लव टू यू यार, और अपना 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 मामा में बेबी सॉन्ग सुन रहे हो ना, कैसा कैसा लग रहा है तुम सबको बताओ, उसके बारे में बात करनी यार, पर आज इच्छा नहीं हो रही उस सॉन्ग के बारे में बात करनी, पता नहीं क्यों अभी, बस तुमसे ऐसी नॉर्मली बात करनी है मुझे। तो तानिया गिरी एंड 21 अदर्स जस्ट शेयर योर वीडियो, तो थैंक यू तानिया गिरी, और जितने भी लोगों ने वीडियो शेयर किया उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। और अभी ना मेरे बारे में बहुत सारी बातें हो गई यार, अब ना तुम्हारे बारे में बताने की बारी है, अब तुम सब बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, ठीक है, जो भी चल रहा है अच्छा बुरा जो भी चल रहा है ना, बिंदास बोल दो, जो भी तुम्हें तुम्हारी इच्छा है शेयर करने की मुझसे वो तुम बोल सकते हो, ठीक है, मतलब बोल तो सकते ही हो, बोला करो, तुम बोलते नहीं हो, मुझसे पूछते रहते हो, पर प्लीज तुम भी बोलो ना यार, मुझे अच्छा लगेगा, मतलब तुम सब भी अपनी बातें बताओगे तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है सब, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो यशवंत सिंह कह रहे हैं, बाय द वे आई जस्ट क्रॉस्ड एमिटी यूनिवर्सिटी, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम अलवर टू जयपुर, अरे वाह यशवंत भाई, अपने कॉलेज को यार, अब मेरा कॉलेज है एमिटी तो उसको क्रॉस किया उन्होंने अभी हाईवे से, दिल्ली हाईवे पर दिखता है, मस्त। प्रीति अरोड़ा कह रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है उनकी लाइफ, हाँ नहीं बहुत ज्यादा अच्छा, शायद उन्होंने सॉन्ग के लिए कहा है, वो क्या ऐसा होता है कि मैंने अभी जो भी बोला है ना वो तुमको थोड़ी देर बाद लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, तुम भी जो उस टाइम कमेंट करते हो वो मुझे उसकी भी थोड़ी देर बाद सुन दिखता है वो कमेंट। तो शारोन शर्मा कह रहे हैं, यू आर लुकिंग सो सो क्यूट, मेरा नाम एक बार ले लो और कुछ बोल दो मेरे लिए, शारोन आई लव यू,
श्रीशा उषा मोहित किस दिया, थैंक यू श्रीशा। शुभम सिंह हे लव यू भाई, अरे लव यू टू यार। चांदनी गुप्ता लव यू मोहित, आई लव यू टू चांदनी। और नील पटेल कह रहे भाई मेरी लाइफ में ओ मामा का मॉर्निंग 5 बजे अलार्म बजता है सच्ची। अरे बाप रे नील क्या बात है यार, और तुम कैसे कैसे उठ जाते हो इतने जल्दी? 5 बजे हैं, मैं तो उठ ही नहीं पाता हूँ यार। मतलब जब मैं टाइम से होता हूँ तब उठ जाता हूँ, अभी इन दिनों तो नहीं भाई, इन दिनों थोड़ा लेट उठता हूँ। तो अंकिता कह रही कि आपके मामा माई वाला सॉन्ग बहुत अच्छा था एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सी कैट, सो लेट्स सी, ऑल द बेस्ट अंकिता। रिया तिवारी कह रही वो शॉपिंग कर रही है। अनामिका राहुल कह रही है हम सफर प्लीज प्लीज। ए मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। यार मुझे ये ज्यादा आता नहीं है सॉन्ग, सॉरी। ज्योति चौधरी कह रही है मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं गुड़गांव में रहती हूँ और आपके सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू ज्योति चौधरी, तुम्हारे नाम का ही एक सॉन्ग मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है चौधरी, मुझे बहुत पसंद है वो। उज्जवल गायन भाजयूमो कह रहे हैं ओके बाय आई एम हर्टेड। क्या हुआ उज्जवल भाई? मुझे ऐसा लग रहा है शायद इन्होंने कोई पहले कमेंट किया होगा, वो शायद नहीं रीड कर पाया मैं तो इसलिए वो उदास हैं। ऐसा नहीं है उज्जवल भाई, यार देखो मेरे को तो क्या है, मेरे को तो कमेंट दिखेगा तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा यार, लेकिन वो दिख नहीं पाता कि बहुत सारे कमेंट्स एक साथ आते हैं तो स्क्रॉल हो जाते हैं ऐसा करके। यो शीला शर्मा कह रहे हैं आपको देख रही हूँ, अच्छा स्मार्ट हाँ। दीपक सिंह कह रहे कुछ याद आया आज 99 चैट है अपनी, बिल्कुल ब्रो दीपक सिंह, तुम तो सारी चैट्स का एकदम वो रखते हो बायो, क्या उसको मतलब डेटा रखते हो सबका, और तुम अपलोड भी करते हो यूट्यूब पे, मैं देखता रहता हूँ। अरे अरकोपल त्रिवेदी ज्वाइंड, अरकोपल त्रिवेदी अपना भाई है यार। ओए अरको साले तू भी लाइव चैट देख रहा है, कैसा है भाई? अब कुछ गाली वाली मत बोलना पहले। अरकोपल क्या है, अरकोपल का ऐसा वाला लुक था मतलब बिना दाढ़ी मूंछों के, अब मेरा ऐसा हो गया है, पर अरकोपल पहले यहाँ की दाढ़ी जरूर रखता था, अभी अरकोपल की बड़ी बड़ी मूंछें हो गई हैं और मैंने अभी क्लीन शेव कर लिया है। वो जरूर मजाक उड़ाएगा, अभी हंस रहा होगा स्क्रीन देख के अगर वो अभी भी लाइव चैट देख रहा है तो। अरको आई लव यू यार, जल्दी आ जा घर पे भाई। विनीता तुली कह रहे तुम्हारे क्यूट सा मूंछें कहाँ है फिर भी तुम क्यूट लगती हो। थैंक यू यार विनीता, तूने बोला इतनी क्यूट लिए है बता। सुनील पटेल कह रहे मोहित मेरे मॉम एक्सपायर्ड हो चुके हैं एंड आपका सॉन्ग सुन के मुझे मेरी मॉम याद आती हैं। अरे यार कर्नल कोई बात नहीं रे, वो तो हमेशा हमेशा साथ में तो रहेंगी। जाओ तो चांदनी गुप्ता कह रही है मोहित आपका कपकेक ऑसम बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। थैंक यू चांदनी। और कृणल पटेल आपको ये कहना चाहूंगा कि यार और यार आपने जो बात बताई वो तो मेरे अभी मतलब दिमाग से निकल ही नहीं पा रही है, और ये कहना चाहूंगा यार कि तो टेंशन मत ले यार दोस्त, और हम सब तेरी फैमिली हैं, छोटी सी है भले ही, हो सकता है कम लोग ही इस फैमिली में एक्टिव हो, कम लोग ध्यान दे रिप्लाई करें, पर अपन सब भी एक फैमिली हैं, तो टेंशन ना लेना कभी भी, और हम सब सब तेरे दोस्त हैं, सब तेरे साथ में हैं। यो एंड दिस सॉन्ग इज़ फॉर योर मॉम, दिस सॉन्ग इज़ फॉर एवरी मॉम आउट देयर। एंड तू बस ध्यान रख यार कृणाल, ठीक है? अपन तो तेरी फैमिली है और अपन कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं पे रहेंगे अपन सब, ठीक है? चल अभी एक बढ़िया सा मुझे कमेंट दे दे तू कृणाल, ठीक है ना, मतलब हैप्पी वाला एकदम, और मुझे गाकर तू वीडियो सेंड कर अपना, तू मामा में बेबे गा या कोई सा भी कपकेक गा दे, जो तेरी इच्छा हो, जो भी तेरे को सॉन्ग अच्छा लगता हो वो सॉन्ग गा के मुझे फेसबुक का अपना ये जो पेज है ना इस पर तू मैसेज कर मुझे वीडियो में, तेरा गाना गाना सुनना चाहता हूँ, ठीक है कृणाल? यो तो वरुण हिंगे कह रहे हैं हे आई एम आल्सो वर्किंग ऑन माय सॉन्ग फॉर रॉस्टार 2, प्लीज सजेस्ट मी समथिंग। वरुण हिंगे वो गाओ भाई जो भी तुम मतलब जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो, जो भी सॉन्ग तुम्हारा फेवरेट हो, तुम्हारी स्टाइल को सूट करता हो, जो तुम्हारा मतलब तुम्हें डिस्क्राइब कर सके, जो तुम अंदर से फील करते हो, बस और कुछ नहीं, मस्त।
एंड साइलेंट लवर सिद्ध एंड 27 अदर्स जस्ट शेयर योर वीडियो. थैंक यू सो मच साइलेंट लवर सिद्ध भाई वीडियो शेयर करने के लिए. और पामी लोवांची कह रहे भाई जो आपका सॉन्ग है फिर मुझे दिल से पुकार तू कह दे मेरा एक बार तू बहुत पसंद है लव यू. थैंक यू पामी लोवांची भाई. प्रिंस फाटवा कह रहे हर हर महादेव. मुजफ्फर कह रहे हैं घुलमिल लौंडा द बेस्ट. घुलमिल सॉन्ग तो मुझे बहुत पसंद है यार मतलब बहुत ज्यादा. तो हिमांशु गुप्ता जॉइंट. अरे बाप रे हिमांशु गुप्ता तुम सबको पता है कौन है हिमांशु गुप्ता सर. अपने सर है मतलब कॉलेज के मेरे को बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया करते थे. मतलब मेरे को क्या हम सबको और मतलब सबसे स्ट्रिक्ट टीचर्स में से एक थे सबसे बेस्ट टीचर्स में से एक थे और सबसे गुड लुकिंग टीचर्स में से एक थे. मतलब सारी लड़कियां तो उन पर ऐसी फिदा थी ना हिमांशु सर. हिमांशु सर अगर भी आप देख रहे हो तो आपको तो पता ही है कितनी सारी लड़कियां मुझे बोलती रहती थी यार हिमांशु सर कितने क्यूट है और उन पर हमारा क्रश है ऐसे ऐसे करके. और बहुत प्यारे से सर है मतलब यार स्ट्रिक्ट भी बहुत थे पता है. मतलब डांटते ही बहुत थे लेकिन बहुत प्यारे यार हिमांशु सर. और हिमांशु सर को गाने का बहुत शौक है. उन्हें टीचर्स डे के दिन एक बार गिटार प्ले कर गाना भी गाया था सबके लिए पर मैं उस टाइम सुन नहीं पाया. और मैंने कब से उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर प्लीज आप एक बार मुझे सुनाएगा आपका गाना प्लीज सुनाइएगा पर उन्होंने तब से कभी सुनाया नहीं एकदम. मतलब वो थोड़े से शाय हो गए थे उस टाइम जब मैंने उनको गाने के बारे में पूछा ना. बहुत पहले की बात है मतलब तीन चार साल चार पांच साल चार साल ऐसे कुछ पहले की. तो हिमांशु सर आई एम सो हैप्पी आप आए यार लाइव चैट पे. और मैं बायोकेमिस्ट्री भूल गया हूँ पर मैं आपका पढ़ाने का स्टाइल नहीं भूला हूँ. और आप कैसे हो हिमांशु सर मुझे प्लीज बताओ. दीपिका बोरा कह रही है मोहित जस्ट रिसेंटली वी वर हियरिंग योर न्यू सॉन्ग माय लोकल फ्रेंड्स हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी आल्सो प्रॉपर्ली वर सो कनेक्टेड टू योर सॉन्ग एंड योर वॉइस लव फ्रॉम ऑल ऑफ अस डायरेक्ट फ्रॉम दुबई. थैंक यू दीपिका बोरा थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड टू ऑल योर फ्रेंड्स फ्रॉम दुबई एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू लव द सॉन्ग. हिमांशु गुप्ता कह रहे हैं हाँ थैंक्स भाई. अरे यार सर बताओ लाइव चैट पर आया मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. बताओ यार अपने अपने सर आ गए लाइव चैट पे अपने जिन्होंने अपन को पढ़ाया है मस्त. तो राठौर बना जोधपुर राठौर कह रहे हैं सुपर भाई. प्रिया मोरे कह रहे हैं आप बोलते बहुत क्यूटली हैं. अरे यार थैंक यू प्रिया यार. अरे यार थैंक यू. आंचल सिन्हा कह रहे लव यू मोहित. आई लव यू टू आंचल. अच्छा आप सुनो ना कंचू 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 कह रहे मोहित प्लीज. अरे यार क्या नाम है तुम्हारा कंचू कंचू. हाँ मस्त. पहले अपनी एक लाइव चैट में एक बहुत रेगुलर अपनी दोस्त भी इनका नाम है ज्योति 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 वो भी बड़ा मस्त नाम है उनका. तुम्हारा ही मस्त नाम है कंचू 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 कंचू. ओमी स्केटर कह रहे हैं एकदम मैं भी ऐसी करती हूँ बट वॉट टू डू हमारे टीचर्स ऑल आर गुड लुकिंग. हाँ भाई साहब. तो अभी 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 अभी, अभी टाइम है आई लव यू बोलने का. मतलब आई लव यू बोलने का. नेक्स्ट संडे को फिर से आना है ना थोड़ी सी और दाढ़ी मूछों के साथ में थोड़ा सा और तो मैं शायद पहले वाला मोहित दिखूं. मेरी भी इच्छा यार एक हफ्ते में थोड़ी और बढ़ जाए. मैंने मतलब हिम्मत करके मैंने हटा तो ली दाढ़ी मूछे और अभी इच्छा करती यार काश वापस से आ जाए. थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ मैं भी उस पुराने वाले लुक को भी. कोई ना अपनी घर की खेती जैसा कहते हैं बहुत फेमस डायलॉग है ये दाढ़ी मूछों बालों के लिए हम लड़कों का. तो चलो आई लव यू ऑल एंड प्लीज अपना ध्यान रखना और इसी तरह प्यार करते रहो एक दूसरे को. अपन सब एक फैमिली है बस याद रखना. अपन सब अलग नहीं है ना तुम ना मैं. अपन सब एक फैमिली है और हमेशा रहेंगे समझे. यो तो मेरी जाने मनो ध्यान रखो. आई लव यू बहुत सारा बहुत ही सारा. I'll always love you and take care. Good night. Next Sunday मिलते हैं अपन ठीक है. Next Sunday या Monday जब भी हो पाएगा. Okay. Bye. Take care. I love you.